पता नहीं क्यों मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ जब बंदे नहीं होते। आई जब बंदे नहीं होते ना तब कंफर्टेबल फील करती हूँ। ना जी तो भाई पूरे पूरे मुकाबले ने आए हाय 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 हाय। तो मेरे लिए ना वो बहुत ही आसानी का दिन होता है कि जब मुझे पता हो कि मैंने आज बनाना क्या है। आज नाश्ते में हम दोनों ने एक जैसी ही चीज़ें खानी है क्योंकि अली ने कहा जो तुमने खाना है वो मैंने खाना है। करेले लाल गोश्त वो वाट चढ़ा ना मुझे नहीं यार। यहाँ पर जो रखता है ना अमेरिका वो पेट से हो गए जाना है और वो वैसे बहुत खाने पीने की शौकीन है। इसमें ऐड करना है क्योंकि अभी मैंने गोश्त को भूना सही तरह नहीं है। ओके ओके खाना भी हमारा हो गया है बस अब ड्राइंग रूम का। किसी वाले मन कह रहे हैं लेने भी आओ। खैर खाने में आज हमने शुरू में सुबह 7 बजे डिसाइड कर लिया कि आज हमने करेले गोश्त खाने हैं। तो मैंने करेले भी मंगवा लिए। मैं कहा सुबह सुबह ना बना के फाड़ी करती हूँ। मेरे लिए ना वो बहुत ही आसानी का दिन होता है कि जब मुझे पता हो कि मैंने आज बनाना क्या है फिर नहीं मैं लेट करती। कल हम लोगों ने स्टीम रोस्ट बनाया था जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि दिल नहीं कर रहा था मेरा खाने को। तो अब ना आज अभी इस वक्त नाश्ता वाश्ता करके तो फिर खाना शाना बनाते हैं और आज की एक्टिविटी शेयर करते हैं। आज मैंने अजान को कहाँ लेके जाना है क्योंकि आज उसका लास्ट पेपर था। पेपर होगा इंशाल्लाह तो मैं तो थोड़ा सा उसको चेंज करवाऊँ तो फिर बताते हैं किधर लेके जाना मैंने। लें तो जनाब आ गया है हमारा नाश्ता। आज नाश्ते में हम दोनों ने एक जैसी ही चीज़ें खानी है क्योंकि अली ने कहा जो तुमने खाना है वो मैंने खाना है। तो ये हम लोगों के पराठे, ये हम दोनों का ऑमलेट, ये आलू कीमा। कैसा बना आलू कीमा? मैंने नहीं बनाया वैसे। बाकी चाय रख दे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया था कि आज मेरा मूड है कहीं जाने का बच्चों को लेके, तो ये बात अली के कान में पड़ी है। मुझे शो नहीं करवाया कि उसको पता है कि मैं कहीं जा रही हूँ। और आप देखेंगे कि ये खाने में आज हांडी बनाने में क्या लेके आए। ऐसा करो करेले लाल गोश्त वो वाट चढ़ा ना मुझे आपकी सोच है। Sorry. मैं भी बड़ी हिम्मत रख के बैठी हुई हूँ अभी। और करेले का जो मैंने लास्ट टाइम रेसिपी ली थी ना वो ये थी कि उसमें आपको ना करेले को नमक लगा के भी रखना है, धो के भी रखना है, तो वो तब जाके अली के टाइप के बने थे। तो उन करेले बनाने में बंदा को दाल दूल कह देता है, बंदा को माड़ी जी को हांडी कह देता है, करेले गोश्त बनाओ। अब साथ साथ मेरा सुल्तान चल रहा है और साथ साथ ये हांडी बनाने लगी हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया था कि करेले गोश्त बनाने हैं तो इधर मैंने करेले का जो वेट है वो अब निकाल दिया और यहाँ पे नमक लगे काफ़ी टाइम हो गया, बस इसको धोना है। और ये जो लड़कियाँ हैं ये मेरे को सख्त लाभ सुनेगी। ओ कितने गए वो टिकटॉकर। बाहर इतना प्यारा हसीन मौसम हो गया ना आज, ये तुम की दस ये चौथा मौसम। दुआ है कि अब मौसम बदल जाए, एसी बंद हो जाए अल्लाह करे। और रियान साहब अभी उठे हैं। ये मेला लद उतगा जी, अब ये ना आने लगा जी। बबू मैं बुत ने कहा भी खुश होना जी, कहो जी मैं बुत को तो जाओ इसको ना रख लियो। चलो जाओ बाय बाय।
मेरी तो पार्सलों जानिया जानिया ही बंद हो गई। लोग ये आया 200 रुपए ले लो स्लिम फास्ट जो फाइनली मैंने भी मंगवा लिए। देखते हैं कभी जल्द कैचा आएगा। दुनिया मंगा रही है, मैंने भी अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो मैंने कहा इससे पहले कि मेरा वेट पूरा पड़ा हो जाए फिर गेन हो जाए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मैंने कहा जरा इसको ट्राई करते हैं। फ्राई पैन का हाल तो देखो मेरा, ये इन्होंने किया गंजा होना पे ये गंजा। इधर हमने आज मेरी मरहूम खाला की एक रेसिपी मुझे बताई गई है कि वो बहुत अच्छी कुक थी। और आम सूप है। तो ये जो करेले हैं ना, इनको गोश्त में हमने अप्लाई कैसे करना है, अमूमन यही था फ्राई किए तो बीच में डाल दो बस ठीक है, जब आपका मर्जी जब आपकी हांडी डन हो जाए। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, पानी सूख गया है क्योंकि इसको धोया था। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये करेले, ठीक हो गया। अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही भाई, इसी में कर लेंगे स्टोव को थोड़ा सा स्लो करेंगे। तो मौसम चंगा हो वैसे बत्ती ना जावे, या नहीं हो सकता। मैंने दरअसल आज धोने थे अपने सोफों के कवर, पता नहीं क्यों यार उससे ना कीड़ियाँ आ गई थी, वट वट के साथ पूरा हाल होया। अजान ना बेदहानी में ना सोफे पे बैठ के खाना शुरू कर देता। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था जो पर्दे हों कवर हों मेरी जो हेल्पर्स हैं वो कहते हैं हम ले लीजिए उन्हें बीमार हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं खुद मशीन लगा ली थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मशीन ने पानी डाला लाइट चल गई है, मैंने कहा जब तक लाइट आती है मैं अपना खाने का जो मेरा सिस्टम है उसको मैं डन कर लूँ। देखा है ना ये ससुरालियों वाली ऐसा था या हदरा मेरे बंदे के अंदर, जब मैंने कहीं जाना है तो मुश्किल हांडी कट के डाल दी करेले बोझ ना हो। आई नो बहुत से लोग कहते हैं मेरी भी करेले बोझ ना हो काम है, मेरे लिए तो है। मैं तो बंदा कोई दाल साल कहता है कोई बंदा को मूंग मसूर की दाल कह देता है ऐ अज ही इन्होंने करेले गोश्त। अच्छा फिर कहते करेले गोश्त जाने दो आज ना मुझे वो खुन्ना बना दो और जा मामा काम कर। और वो वाली हांडी कह रहे थे जो ना उससे बनती है हांडी के अंदर मट्टी की हांडी के अंदर, ना फिर किसी दिन बनाऊँगी आज करेले गोश्त की बना लो। तो वो हम करके जाए वो डन कर देते हैं। अली भी गए हैं अजान की कटिंग करवाने के लिए, वहाँ भी लाइट चली गई है तो अजान उसी पैरों से वापस आ गया। वैसे मैंने शुक्रिया अदा किया है कि अली ने कटिंग नहीं कराई, लास्ट टाइम कराई थी ऐसे समय से थोड़े छोटे। मैंने हमेशा से अपने बच्चों की कटिंग घर बुला के ना अपने नजरों के सामने कराई है दोनों बच्चों की, मैं अपने बड़े बच्चे की भी अली की भी करवा देती अपनी। चले इसको फ्राई करके जब ये हो जाएंगे तो अप्लाई करने का तरीका आपको बताती हूँ। बस ये फ्राई होने की नौबत पे आने वाले हैं, नौबत पे नौबत नौबत होता है कि नौबत होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा नौबत नौबत। वैसे इतने फ्राई करने की इससे ज़्यादा करने, देखिए भाई जो चीज़ हम खाते नहीं ना उनको बनाने का मेन इंटरेस्ट भी नहीं होता। और चूँकि मेरे मियाँ साहब खाते हैं तो मैं कर नहीं यार, मियाँ का जो रखता है ना अमेरिका वो पेट से हो पेट से होकर जाना है और वो वैसे ही बहुत खाने पीने की शौकीन है, फिर मैंने कहीं दिल से बना ही लेते हैं। सुर कौशल बनना भूल गई थी मैं, अब याद आई क्योंकि सुर कौशल से मेरी सास ने मुझे बताया था कि खाने में अगर टेस्ट लाना है ना तो सुर कौशल पढ़ लो। वो दिन गया ये दिन आया, सुर कौशल के बगैर मैं खाना नहीं बनाती और अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा बन जाता। कभी पढ़ना भूल जाऊँ तो फिर याद आता है कि खाना नहीं सही बना। और मेरे मियाँ की कुछ मिसाल इस टाइप की है कि वो अगर खाना अच्छा नहीं ना बना तो वो कब्र की कंधे तक लेके जाते हैं, ऐसा जलील करते हैं हर किसी के सामने, तारीफ भी बहुत करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ खाना पसंद आ जाए अली को, नहीं तो फिर मेरे फैशन मेरी पटीने मेरे व्लॉग मेरी वीडियो सब कुछ पुनते हैं फिर वो।
इसलिए जरा ना मियाँ साहब को भी राजी रखना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो। अच्छा जी अब हम देखिए करना है, रुके एक मिनट मैं दोबारा आनी है। करना क्या है अब मैंने, अब ये जो मैंने फ्राई किए हुए हैं ना, जो मैं ट्रिक बताने लगी हूँ आप लोगों को, उनको मैंने भूनते हुए ना इसमें ऐड करना है, क्योंकि अभी मैंने गोश्त को भूना सही तरह नहीं है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब ना मैं इनको भूनूंगी, जब मैं गोश्त भून रही होंगी ना बीच में, पहले मैं करेले ऐड करूंगी इसमें, जैसा कि ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे चम्मच चलाएंगे, अब एक हाथ से ज़रा मुश्किल हो रहा है तो हम ज़रा आते हैं दोबारा। अब इसकी निशानी ये होनी चाहिए कि जब तक ऑयल नहीं ना आ जाएगा ऊपर, तब तक समझ जाना कि ये भुने नहीं है। नहीं जी बत्ती आ गई है, तो मैंने कहा फटाफट से ये धो लें। ये हमारे चार हैं कवर्स, तो ये चारों हल्के से ही हैं, लेकिन मैं कोई ऑनलाइन साइट देखती हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं इनको चेंज करूँ। अब मैंने डाइनिंग के कवर्स भी लेने हैं, पर ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, ये वाले मुझे तकरीबन 8-9 हज़ार के पड़े थे, क्योंकि मैंने काउच का भी देखा, मुझे उससे पता क्या मसला नज़र आया, तो जब आप वॉश करते हैं ना तो उसमें वो बुरबुर सी आ जाती है। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये आ रही है ना, ये फिनिशिंग नहीं रहती है आपकी। अब ये तो नहीं है कि हम वॉश ही ना करें, ज़ाहिर इतनी गर्मियों में भी छाए हुए थे, बंदे बैठते हैं तो इस वजह से मैं इसको हर महीने वॉश करवाती हूँ। अभी तो करवाना नहीं था, लेकिन वो कीड़ियाँ देखे तो मैं तो डर गई एकदम से, बच्चे वहाँ पे होते हैं। अब ये है कि ये अभी बस धुलना शुरू करते हैं, चक्कर पूरा चल गया, उसके बाद से इनको डन कर दूँगी तो ज़रा सुकून हो जाएगा, कल तक सूख जाएंगे। और फिर खाना भी मेरा हो गया है, डन कर लिया मैंने, और ये यहाँ पे सफाई चल रही है, इसको मैंने बोला कि गद्दा जो है वो बेड पे लगा दे। वाओ कितना प्यारा मौसम है, सर्दियाँ बहुत प्यारी है, बच्चों के रहमत वाला महीना आने वाला, मेरी बर्थडे का मन खाने वाला, तो एसी कैसे चलता है। यार, यार मेरे पौधे पता नहीं क्यों नहीं सेट होते, मुझे नहीं समझ आती इस बात की, हालांकि मैं इतना ख्याल रखती हूँ पानी शानी का, मुझे ना दरअसल खाद वगैरह नहीं लगानी आती, और जो माली है वो जब भी आता तो हम सोए होते हैं, बस ये पुदीना ही मेरा निकलता है, इससे ही हमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है। ये मैंने मोतिया का लगाया था, लेकिन मोतिया तो मैंने कितना नज़र नहीं आया, पत्ते डेढ़ बड़े हो गए ना। अच्छा यहाँ के लिए ना मैं सोच रही हूँ कि वो जो टाइल्स वाली वॉल नहीं चली हुई, लेकिन फिर वही मसला कि पानी चलेगा अगर वो ज़रा से भी ख़राब हुई तो वो काम ख़राब हो जाए। यहाँ पे तो ये टाइलें लगी हुई है ना, उठे भी लगा देंगे भला, नहीं सेम लगी है। ये भी दीवार गंदी है, ये भी बहुत गंदी है, तो अगर मैं वो लगाऊंगी वो तो फीस भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी, इससे अच्छा तो मैं पेंट करा लूँ, क्या ख्याल है। बाकी मौसम बहुत प्यारा है, अच्छा मौसम अच्छा होता ना तो आपके अंदर ना एक अच्छी वाइब आना शुरू हो जाती है, आपका मूड फ्रेश होने लग जाता है, आप अच्छा अच्छा बोलते हो, गर्मियों में तो बंदा ही आवाज़ आ रहा है, तुरंत को आवाज़ आ रहा है। ये आज नहीं जा रही हमारे साथ, बहुत अच्छा बोलती, ये आज है आपके साथ घर में रहेगी, और बस मैं सानिया और अजान जाएंगी। अच्छा कपड़े मैं दिखाती हूँ, एक साल पहले मैंने ये वाले कपड़े पहने थे इरबी लेवल पे, तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं वापस से ये सूट पहनूँ आज, और अल्लाह ताला ने खुद ही मौसम अच्छा कर दिया, आई लव यू अल्लाह ताला। बस अब बाद में आने नहीं जी, डिनर मैंने कर दी है, थोड़ा फ्रूट निकाल दिए, अब अरे खुद कपड़े गिर गए, जितना मर्जी भी बचाओ ना कपड़े गीले हो जाए, सूख जाए, सूखे रहे तो नहीं बचते। ये करके हम तीनों ने पढ़नी है नमाज, नहा धो के, ओके ओके, खाना भी हमारा हो गया है, बस अब तुम्हारा ड्राइंग रूम का बस वो ही रह गया, मोह भी रह गया, बाकी तुम्हारा सारा काम डन हो गया। हाँ ये तीन दफा तीसरी मतलब हम पानी से निकाल रहे हैं, चोरों ने तो संभाल ही खाना नहीं, कहानियाँ मुझे ना स्पिनर से ना ओके। ये आया हमारा ममरी बिस्तरा यानी कि ममरी दस्तरखान,
ये मेरा लड्डू बैठा हुआ लड्डू, और ये मेरा छोटा सा बेबी बैठा हुआ, छोटा सा बेबी गोदियों में बैठा हुआ। इसके अब्बे को बुलाओ, अली को बुलाओ, बोलो बाबा जी कह रही है कि खाना खाओ। चलो मैं अपने बेटे को सोनिया को भी बुलाओ। ये हमारे बने हैं करेले, लेकिन अजान खाएगा हाली बहुत ही। रोटी पकड़ाओ मुझे वहाँ से, बाकी आप लोग अपना सालन फूड डालो भाई। और मैं इसलिए भूख हड़ताल करके जा रही हूँ कि अगर मैं इधर खा लूँगी तो फिर मैं उधर क्या खाऊंगी, इसलिए क्योंकि अगर अभी खा लिया तो फिर ओवर ईट हो जाएगा। और अभी मैंने वो स्लिम फास्ट ड्रॉप्स भी देखे हैं कि उनको किस तरीके से टेक करना है, तो वो भी 10 मिनट पहले ही आपने ड्रॉप्स वो लेने हैं, इसलिए मैं ज़रा भूख हड़ताल करूँगी। अभी मैं सिर्फ चाय पीऊँगी और चाय के साथ मैं बिस्कुट खाऊँगी, क्योंकि बिस्कुट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो रोटी मैं नहीं खाऊंगी। चल भाई रोटी ला, जैसे पकड़ा मुझे, मैं अपने बेटे को खिलाऊँ। ये मेला ये वाला बेटा भी खाएगा इधर आ समझ, इसके लिए बोटी धो के ला बयान के लिए, प्याली ले आओ ना। ये तो हमारा खाना रेडी हो गया, हम ये खाएंगे। ये मियाँ सब ठूस रहे हैं ना जी, तो भाई पूरे पूरे मुकाबले ने आए, हाय 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 हाय। तो हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारी मामा नहीं आई? बड़ी बदतमीज है तुम्हारी मामा। चलो आगे से चलो ऊपर। ये जो इसे सूट पहना हुआ ना, ऐसा सेम मैं आज पहनने लगी थी। हम सोचते कुछ है होता कुछ है, इतनी मतलब तैयारी थी मेरी यहाँ पे आने की, क्योंकि मैं आ भी गई हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी खाला, पता चला कि उनके बेटे का जो बाजू है फ्रैक्चर हुआ है। अच्छी बनी मेरी उनसे ना सुबह दोपहर से बात हुई है, और सुबह मेरी उनसे बात हुई है 11-12 बजे के करीब, तो बच्चे घर से आए हैं, तो बस ठीक है, अब शाम में बात होती है। उनको पता था मैंने जाना है। अचानक से कज़न की पिक्चर आती है कि वो बच्चा जो है स्ट्रेचर पे है, जान निकल गई मेरी तो खैर, बस शरारत शरारत में ना वो गिर गया और बाजू फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर सब कुछ ऑपरेट का कह रहे हैं, और मैंने यहाँ प्लान किया हुआ था, मुझे समझ ना आए, दोस्त को कॉल करके बोला, अब वो कहती है कि पूछना भी ना, तुम बस आओ। कुछ बच्चों का पूरा माइंड बना हुआ था, जाते तो कहीं है नहीं, वहाँ पे अब देखिए हेलन बनी बैठी हुई है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि हम सोचते क्या कुछ हैं और होता क्या, यही ज़िंदगी है। अब तक अपने से कल पाँच में शुरू हो गई है लड़की, मुझे कहती है हमें तो कुछ इच्छा होगा, हमारी मेट्स नहीं है, एक तो मुझे साइज की मीठी मीठी करते हैं। ऐ बोलना अच्छा, तेरा बंदा तो नहीं है, तेरा बंदा नहीं होना चाहिए, बाकी नहीं नहीं पता नहीं। मुझे दोस्तों के घर जाके ना, मेरी एक फ्रेंड है उसका सलोन है, तो मैं उसको सबसे पहले पूछती हूँ तेरा बंदा तो नहीं है। हाँ फिर पता नहीं क्यों मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ जब बंदे नहीं होते। आई जब बंदे नहीं होते ना, वो तब कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो जब बंदे होते हैं ना तो मैं अनकम्फर्टेबल होती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जूस लें जनाब, मैडमो आ जाओ, हेलनो पेंटा छोटा पाइया आने। आज तो हमारे घर में सानिया नहीं है, सानिया का कोई और है, शक्ल थोड़ी बहुत सानिया से मिलती है, और उसकी लुक कुछ इस टाइप की है, समरीन के कपड़े पहने लेकिन लेंस बहुत जरूरी। यस, जहाँ भी जाना। अच्छा एक बोर्ड मुझे मज़ा आया है, इनको इरिटेशन भी हो रही होती है ना, डर से कहती नहीं है कि हमें कुछ कुछ हो रहा है, मैं सीधा ला देने ने। वो एक आंख से एंजल ही फिरती भी, ये समरीन की वो ऐसे ऐसे हो रही है, मैं कहा ठीक है बस लगाने दिया उतार दो। ये मैडम ने मेरी डिमांड पे बनाई है आलू चिकन वाली बिरयानी, ये हाल ही बना ली थी चिकन बिरयानी, तो मैंने बोला आलू तो नन्हे ने विच बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू आलू खाने हाँ भी कैसा। मैं और अजान आलू बहुत शौक से खाते हैं, तो ये अब हम खाते हैं और पता चलता है कि कैसे हैं। चलिए दाल के लिए जरा जल्दी से अजय जान, आपकी फेवरेट बन गई, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं होता जान, चोट लग जाती है, इधर आ जाओ, हैंड वॉश करके आओ, कोई बात नहीं, जाओ